700 रुपए? सीरियसली 700 रुपए? 700 रुपए का ये रूम? अभी अराउंड 7 बज रहे हैं और हम पहुंच गए नाथरन बस स्टैंड पे। हे गाइस, दिस इज हिमांशु एंड आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर। और हम लोग दिल्ली से पहुंचे हैं वियतनाम, और वियतनाम में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अलग अलग सिटीज को। और हो ची मिन्ह सिटी हमने एक्सप्लोर कर ली है, अब हम पहुंचे हैं नाथरन, जो यहाँ पे नॉर्मल टैक्सी है जो बस स्टैंड से निकलती है, उसका कुछ हिसाब किताब किलोमीटर्स का है। पहले 4 किलोमीटर का कुछ पैसे लेते हैं, उसके बाद 40 से 44 हज़ार डोंग पर किलोमीटर के लेते हैं। बट हमने पहले ग्रैब करा ली थी, तो ग्रैब आ गई है। ग्रैब अराउंड हमें 350 रुपये पड़ रही है 6-7 किलोमीटर के। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग बस स्टैंड से अपने होटल की तरफ आ गए थे। सो बेसिकली ये होटल हमने प्री बुक नहीं किया था, तो लकीली हमें एक होटल की, एक रूम की अवेलेबिलिटी यहाँ पर मिल गई। सो बेसिकली यहाँ पे जो जनरली चेक इन टाइम रहता है वो 2 बजे का रहता है दिन के। सो गाइस, दिस इज़ द होटल मून लाइट बे, और जो अगोडा में इसकी रेटिंग है ये 8.9 है एज यू कैन सी। और ये जो होटल है बिल्कुल रोड के बगल में है, ये सामने रोड दिख रही है आपको, तो इजीली आप पहुंच सकते हो बस स्टैंड से। और इसके सामने रिवर है। तो अभी लगेज रख के हम लोग, इन लोगों ने हमारे लिए एक रेस्टोरेंट प्रिपेयर किया जहाँ पे हम फ्रेश हो सकते हैं, तो फ्रेश होंगे और उसके बाद ब्रेकफास्ट भी इसी होटल पे कर लेंगे। तो गाइस, हम लोग फ्रेश हो गए हैं, नहा धो के रेडी हो गए हैं, और अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट होटल की रूफ टॉप पे, जहाँ से एक अमेजिंग व्यू भी आ रहा है। कुछ ब्रेकफास्ट में है हमारे फ्रूट्स, ब्रेड ऑमलेट, नूडल्स, ब्रेड, ये सारी चीज़ें हैं। ये जो होटल है ये बिल्कुल रिवर के सामने है, ये रिवर है। और ये जो सिटी है ना, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें थोड़ा सा आगे चले जाओ तो सी स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे रिवर बह रही है, और साथ ही साथ में माउंटेन्स भी यहाँ से दिख रहे हैं एज यू कैन सी। तो मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन है तीनों चीज़ों का। और आज अच्छी बात यह है कि आज थोड़े क्लाउड्स लगे हुए हैं, तो मौसम थोड़ा प्लीजेंट है, ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिड नहीं हो रही है। तो गाइस, रूम रेडी हो गया है फाइनली। So this is our room. Nice. Interior काफ़ी अच्छा है यार, I like it. और यहाँ पर एक कुर्सी मेज दे रखा है। ये व्यू है यहाँ से आगे से, उतना कुछ खास नहीं है लेकिन ठीक है, माहौल सही है। और एक छोटी सी बालकनी यहाँ पे है। अरे वाह भाई, कैसा लगा रूम? बालकनी से व्यू है भाई, व्यू भी है भाई, नदी यहाँ पे, लिटरली एक नदी है, एक पहाड़ है, वैसे नहीं कि गंदा नाला बना दिया एकदम। बट ये एक बजट होटल है। करें कितने का पड़ा था हमें? 700 रुपए? सीरियसली 700 रुपए का ये रूम? नहीं, ये वाला 1000 का। 1000 का है ना। सो यहाँ पे दो रूम थे, एक था 700 वाला, ये था 1000 वाला। तो इसमें थोड़ा बालकनी फेस फ्रंट व्यू है, सो फ्रंट व्यू है रिवर का, तो इसलिए थोड़ा सा महंगा था। इसका जो पीछे वाला रूम है वो 700 रुपये का है। नातरन रूम रेंट 700, 1000 वाला बालकनी फेसिंग, याद रखना। तो इससे ज़्यादा मत देना, मतलब कहने का मतलब ये है। हमने ऑनलाइन बुकिंग करी थी, वैसे तो अगर आप होटल से बुकिंग करोगे तो थोड़ा महंगा ही पड़ेगा ऑनलाइन। क्या नाम था? नगाडो जगाडो, वो साइट का नाम अगोडा। अगोडा से बुकिंग कराना, अगोडा से सस्ता पड़ता है। सो ये है। बाकी अभी हम लोग थोड़ा रूम सेटल कर लेते हैं, और ऑलमोस्ट लंच का टाइम भी हो गया है। लंच वंच करने का देखते हैं प्लान क्या करना है, उसके बाद फिर करते हैं आज का कार्यक्रम शुरू। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे लंच करने के लिए आए हुए हैं, और हमने कुछ नूडल्स वगैरह ऑर्डर किया हुआ है। सो एक ट्रिप मैं देना चाहता हूँ आप लोग को, अगर आप वियतनाम आ रहे हो तो अगर आपके मोबाइल में गूगल लेंस है, गूगल लेंस के थ्रू आप जो भी मेन्यू को ट्रांसलेट कर सकते हो, बेसिकली कोई भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हो। तो अभी जिस रेस्टोरेंट पे हम आए थे वहाँ पर मेन्यू में इंग्लिश नहीं लिखा हुआ था, पूरा वियतनामी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। हमने गूगल लेंस का यूज़ करके उसे ट्रांसलेट किया, तो काफ़ी अमेजिंग है, और 99-95% वो करेक्ट ट्रांसलेट करता है। मतलब कि अंदाज़ा आ जाता है कि आपको क्या चाहिए, क्या ऑर्डर करना है। और जो बंदे हैं यहाँ पे उनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, तो उसके थ्रू वो भी समझ गए। तो दैट इज़ अ गुड थिंग अगर आप गूगल ट्रांसलेटेड कैरी कर सकते हैं। तो अभी जो नाथरंग में हमने पता किया, यहाँ पे जो ना दिन की लाइफ बिल्कुल झंड है, मतलब दिन में आपको कोई नहीं मिलेगा, सब सोए होंगे। यहाँ पे सिर्फ नाइट लाइफ है, रात को लोग 3-3 बजे तक उठे रहते हैं। थोड़ा सा क्राउडेड है सिटी, बहुत सारे व्हीकल्स यहाँ पे रोड में चलते रहते हैं 24 घंटे। बट अगर आप पैदल चलना शुरू करोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी व्यूज देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैं अभी एक ब्रिज में खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे व्यूज देख रहे हैं आपको मिल रहे हैं। तो जो रिवर है बीच में, उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज देखने को मिल रहे हैं। आई होप आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही होगी, बिकॉज मैं अभी रोड के बीच में हूँ। और लंच के बाद जो हमने नींद निकाली है एकदम ताबड़तोड़, मज़ा ही आ गया।
जबरदस्त नींद आई और अभी शाम का टाइम हो गया, अराउंड 4-5 बज रहे हैं और अभी हम लोग निकल गए हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में निकल जाने के लिए। सो गाइस जो टिकट है वो अराउंड 50-60 रुपए के आसपास है। सो दो लोगों का हमारा टिकट जो है वो 110-120 रुपए के आसपास पड़ा और ये मेट्रो से कार्ड से मिलते हैं एंट्री के लिए। तो अभी हम लोगों ने टिकट ले लिया है एंड अभी जाते हैं अंदर, बिकॉज अभी जो बंद होने का टाइम है वो भी बहुत जल्दी है, यहाँ पे 6 बजे करीब या 5:30 बजे करीब शायद बंद हो जाता है। पिलर्स दिख रहे हैं आपको, उसके बीच से टेंपल का एंट्रेंस है, एकदम से सीधी सीढ़ियां जा रही है टेंपल के अंदर। तो गाइस करंट की इन्फॉर्मेशन काम आई, हम लोग पहले यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के आने वाले थे बट यहाँ पे एनीवे आपको अगर आपने हाफ पहना हुआ है तो आपको एक ड्रेस पहननी पड़ती है पूरी, जिसमें आपकी बॉडी पूरी कवर रहती है अगर आपको मंदिर में एंट्री करनी है तो। बट अभी एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि हमें भी वही ज़रूरी वही ड्रेस कंपलसरी है या फिर आप कोई भी ड्रेस फुल बाजू की और फुल पैंट पहन के जा सकते हो नहीं। यहाँ पे 2-3 टेंपल है, एक छोटा है, एक उससे बड़ा है और एक मेन टेंपल है। जो मेन टेंपल है उसके अंदर फोटोग्राफी अगर तो किसी टेंपल में भी अलाउड नहीं है। तो जो टेंपल है उसके अंदर 2-3 स्टैचूज हैं और काफ़ी कामनेस है, अगरबत्ती वगैरह जलाई हुई है, माहौल एकदम स्पिरिचुअल माहौल है। तो ये जो राइट साइड में है वो है मेन टेंपल और उसके बाजू में एक और टेंपल है। इसी मंदिर के साथ एक म्यूजियम सा यहाँ पे है, जहाँ पे आर्ट गैलरी है और बाहर बहुत सारे छोटे छोटे स्टैचूज रखे हुए हैं। और अमेजिंग लग रहे थे, माइक्रो स्टैचूज हैं और काफी क्यूट से हैं, बुद्धा के और पुराने देवी देवता के स्टैचूज जो लोग मानते थे उनके स्टैचूज वगैरह रखे हुए हैं। तो गाइस हम लोग टेंपल से बाहर आ गए हैं और वो पीछे जो मेरे आप देख रहे हो ये वो टेंपल था जहाँ हम गए थे और इसी के सामने से हमें पगोड़ा दिख रहा है, जो बुद्धा स्टैचू भी है जिसमें एक बहुत बड़ा व्हाइट कलर का, और जहाँ हम कल जाने वाले हैं। और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं अपने होटल में। पहले तो हेयर ऑयल नहीं मिलता कहीं और इतना हेयर ऑयल ढूंढा, करण गया हेयर ऑयल लेने तो हेयर ऑयल की जगह पे वो शैम्पू ले आया। बट अगर आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो तो जहाँ पे बीच में स्टेशन्स में गाड़ियाँ रुकती हैं तो वहाँ पे वेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको कुछ कुछ ऐसी चीज़ें खानी होती हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो या फिर यू नो फ्रूट्स वगैरह कैरी कर सकते हो, तो वो सब चीज़ आपको प्रिपेयर होकर आना है अगर आप वेजिटेरियन हो और ऐसे ट्रैवल कर रहे हो लाइक 2 सिटीज के बीच में बस के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू। और एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी, क्या हुआ गया, जैसे मैं बाहर जाके मैंने नूडल्स वगैरह खाए, नूडल्स और सूप पिया था, तो उसके बाद क्या हुआ कि सारे लोग यहाँ पे ना सारी बसेस एक जैसी है, बिल्कुल ऑलमोस्ट डिटो सेम थी और लोग भी ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं। तो मैं एक वहाँ पे सबसे यूनिक लग रहा था तो मुझे अपनी बस पता नहीं चली, तो लोगों ने मुझे बता दिया कि तुम्हारी बस यह है, तो उन सबको पता था कि मैं इस बस से उतरा हूँ। तो ये थोड़ा सा मुझे अलग सा लगा, यू नो मतलब कौन इतना ध्यान रखता है किसी के बारे में, बट मतलब इतना यू नो कौन क्या बोलते हैं उसे यार, नहीं केयरिंग नहीं होता, वो नहीं होता जैसे कि कौन किस बस से उतर रहा है, वो वाली चीज मतलब कौन किसके लिए कितना ध्यान रखता है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कौन इतना ध्यान रखता है कि कौन किस बस से उतर रहा है, बट मैं इतना सब में अलग लग रहा था तो सबको एकदम से याद यूनिक सा लगा और बता दिया। एनीवे सो अभी हम लोग पहुँच गए नातरंग जो भी प्रोनाउंसिएशन है। सो लेट्स सी आज का प्लान क्या करते हैं, पहले अभी होटल्स लेके होटल कोई एक अच्छा सा होटल लेके चेक इन कर लेते हैं, फिर करते हैं आज का प्लान। और बाकी यहाँ तक हम कैसे पहुँचे उस सारी वीडियोस के लिए आपको लिंक जो है वो बायो में मिल जाएगा कि हम दिल्ली से कैसे वियतनाम पहुँचे, होचीमिन सिटी में क्या क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए,
उन सब का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा या कहीं आई बटन में आ रहा होगा।